हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास टेंथ का चैप्टर 4 का लेक्चर 2 है। इस लेक्चर में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन होती क्या है? बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज हमारे पास है, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और फैक्टर्स इस तरह बनेंगे कि उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन आ जाए। फैक्टर का मतलब ये होता है कि उन्हें मल्टीप्लाई करने पर वापस रिक्वायर्ड नंबर आ जाए। सपोज हमारे पास एक नंबर है 10, तो 10 के फैक्टर का मतलब होगा ऐसे दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। 5 × 2 = 10 आता है। और भी बना सकते हैं फैक्टर्स, 10 और 1, ये भी 10 के फैक्टर्स हैं। वैसे इसके और काफ़ी फैक्टर्स बन सकते हैं। सपोज़ कोई नंबर 15 है, तो 15 के फैक्टर्स 5 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है। वैसे ही 15 के और फैक्टर्स बन सकते हैं, 15 × 1, ये भी एक फैक्टर बनते हैं 2। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए, ये उसके फैक्टर्स बोल कहलाते हैं। सो इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे बने, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को, जो सेंट्रल टर्म है, सेंट्रल टर्म है, इसे स्प्लिट करेंगे। सेंट्रल टर्म होती है जो एक्स के वेरिएबल वाली होती है, एक्स स्क्वायर वाली नहीं। सपोज़ इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख देता रफ में, 5x + x² + 6 = 0, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये मिडल में आ गई तो ये मिडल टर्म बन जाएगी, नो। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर 5x एंड लास्ट में कांस्टेंट। इसी को स्प्लिट करना होता है हमेशा, इस तरह से स्प्लिट करो कि फैक्टर्स बने। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब 1 ही होगा, एंड कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इंक्लूडिंग द साइंस। इसका +6 है × +1 गिव्स यू 6। अब 6 के फैक्टर्स बनाओ कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए, तो एक फैक्टर तो बनता है 6 × 1, इसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, बट 6 + 1 ऐड करेंगे 7 आएगा, 6 - 1 करेंगे तो 5 आएगा, आ रहा है 5। बट अगर 6 - 1 को वापस मल्टीप्लाई करा जाए 6 × -1, तो वो -6 आता है। हमें -6 नहीं चाहिए, हमें तो +6 चाहिए, क्योंकि 6 × 1 करके 6 आ रहा है, +6 आ रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे +6 आ रहा है, तो ये हम फैक्टर नहीं लेंगे। अगला फैक्टर 3 × 2, 3 × 2 = 6 बन रहा है, 3 + 2 करके देखते हैं 6 आ रहा है, और 3 × 2 = 6 भी होता है, सो 3 × 2 फैक्टर हम ले लेंगे। अब ये करना कैसे है, हमने यहाँ इक्वेशन पे आ जाते हैं, x² + 3x लिखेंगे + 2x लिखेंगे + 6 = 0, तो ये 5x स्प्लिट हो गया दो टर्म्स में। इस स्प्लिटिंग को बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इसे बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इस स्प्लिटिंग के बाद अब हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे, इन पेयर्स में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों के पास x है, तो एक x तो कॉमन आ जाता है। इस पहली टर्म के पास अगर एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रह जाएगा। कॉमन निकालना आपको मैंने पहले सिखाया ही है, जिस चीज़ को कॉमन निकालते हैं उसी से इसको डिवाइड कर देंगे। सो x को x² से डिवाइड करेंगे, x बचेगा। अगर अब 3x को x से डिवाइड कर देंगे तो अंदर 3 बचेगा। वैसे ही यहाँ पर दोनों नंबर जो हैं 2 के टेबल पर जा रहे हैं, या 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 बाहर लिखो। अब 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1x बचा, 2 को 6 से डिवाइड करोगे 3 बचा। आप देख सकते हो सेम नंबर्स आ गए हैं, x × x + 3, 2 × x + 3, 1x, एक ही बात है। सो अब क्या करोगे तुम, 1x + 3 ये 1 हो जाएगा, और ये x + 2 1 हो जाएगा, मतलब x + 2 को इकट्ठा लिख दिया, इन दोनों को 1 बना के लिख दिया। इस 1x को सिंगल x + 3 भी लिख सकते हैं, और इसको x + 2 भी लिख सकते हैं। सो बन गए दो फैक्टर्स, ऐसे दो फैक्टर्स जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ये तो हो गया फैक्टर्स बनाना, अब फर्दर इसका सोल्यूशन भी करेंगे हम। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, x + 3 = 0 पुट कर देंगे, x + 2 = 0 पुट कर देंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है, तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 तभी आएगा ना, उनमें से अगर कोई एक नंबर 0 होगा। 7 × 0 करोगे
तो ही ज़ीरो आएगा। 7 × 1 करोगे तो 0 नहीं आएगा ना, तो अब ज़ीरो कभी नहीं आएगा। तो इन दो नंबर्स में से कोई एक तो ज़ीरो होगा ना, तो हम दोनों को ज़ीरो के इक्वल पुट करके देखेंगे। पहले x प्लस 3 को ज़ीरो के इक्वल पुट करते थे, क्या पता ये नंबर ज़ीरो हो। इसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, प्लस 3, RHS साइड जाके माइनस 3 हो जाता, 3 आएगी। वैसे क्या पता सेकेंड नंबर ज़ीरो हो, हमें नहीं पता। सो इसको भी ज़ीरो पुट करके देखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो प्लस 2 RHS साइड जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। सो ये दो x की वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन कह लो या रूट्स कह लो, रूट्स भी कह देते हैं। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इन वैल्यूज़ को अगर इसमें पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ प्रूफ आपको। इक्वेशन लिखी पहले, अब सबसे पहले इसमें 3 पुट करके देखते हैं, माइनस 3। जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ माइनस 3 पुट कर दो। थ्री थ्री जै 9 होता है, जब भी पावर इवन होती है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 5 × 3 = 15, माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस 6 = 0। 9 + 6 = 15, 15 - 15 = 0 आ रहा है। सो देयरफॉर LHS = RHS आ रहा है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। सो इसका मतलब ये इसका रूट है। वैसे ही इसकी भी वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो जस्ट मैंने आपको प्रूफ के लिए बताया था कि ऐसे होता है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म कर देना है। अगर क्वेश्चन में आया ना फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आपने यहीं क्वेश्चन ख़त्म कर देना है। पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, फिर फैक्टर्स बनाने हैं, एंड लास्ट में वैल्यू फाइंड करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आई होप आपको समझ आ गई हो। हम ऐसे ही 2-3 और एग्जांपल्स करेंगे, उससे आपको पूरी की पूरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लियर हो जाएगी। एंड फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, आपने उसे एज अ होमवर्क करना है। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 12x + 27 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 12x की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। वैसे ही कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जो कि 1 है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 27 × 1 = 27। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे तो फैक्टर्स तो बन सकते हैं 9 × 3, ऐड करने पर 12 आना चाहिए। सो 9 + 3 ऐड करने पर 12 भी आता है और मल्टीप्लाई करने पर 27 भी आता है। सो ये इसके फैक्टर्स बन गए। सो वी कैन यूज़ इट हियर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x प्लस 27 = 0। अगेन इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर और 9x दोनों के पास x कॉमन है तो निकाल लेते हैं। एक x बचा यहाँ पर पहले, और 9x की जगह पे सिर्फ 9 बचेगा क्योंकि एक x तो बाहर आ ही गया। अब इन दोनों नंबर्स में 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रहेगा 9। अगेन अच्छा क्वेश्चन में x प्लस 9 यहाँ पर भी आ गया, x प्लस 9 यहाँ पर भी आ गया। जब ये दोनों सेम आ जाए इसका मतलब होगा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो x प्लस 9 इकट्ठे लिख लिए, x प्लस 3 इकट्ठे लिख लिए, बन गए दो फैक्टर्स = 0। अब x प्लस 9 को 0 को इक्वल पुट करेंगे पहले, और फिर x प्लस 3 को 0 को इक्वल पुट करेंगे, एंड देन विल कैलकुलेट। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 9 उधर जाके माइनस 9, एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 RHS साइड जाके। सो ये दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास x की। तो यही होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यूज़ निकालते हैं। ऐसे और बहुत एग्जांपल्स हैं, ये वो एग्जांपल्स के हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 होता है। अब और एग्जांपल्स भी हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट कुछ भी हो सकता है, एक वो भी करके देखते हैं। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का अगला पार्ट करेंगे, उसमें 2x² - 17x - 30 = 0। इसके अंदर -17 की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। वो कैसे करेंगे, कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -30 × 2। सो दिस बिकम्स -60। -30 × 2 - 60 आ रहा है। तो इसकी स्प्लिटिंग करेंगे अब हम। स्प्लिटिंग करने पर ये कह लो फैक्टर्स बनाएंगे, तो एक फैक्टर्स बन सकते हैं इसके -10 × 6,
60 आ जाएगा, बट इनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -17 नहीं आता, हमें -17 चाहिए। तो कैसे करेंगे? -60 का एक हम कर सकते हैं 3 × 20। 320 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 60 तो आता है, और अगर 3 − 20 करें तो -17 भी आ रहा है। और 3 और -20 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 3 × −20 तो -60 भी आ जाएगा। सो यही हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे। इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना पड़ता है हमें कि कैसे इसके फैक्टर्स बनने हैं। एक बार आपका ये चीज़ स्ट्रांग हो गई ना, फिर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा करना। तो हमारे पास पार्ट आता है 3 और −20, ये दो नंबर्स हमें चाहिए सॉल्व करने के लिए। 2x² + 3x − 20x − 30 = 0। अब पहले दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे हम। पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? x ही कॉमन आ रहा है बस। तो यहाँ रह गया 2x + 3। और लास्ट की दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों के पास माइनस है तो एक माइनस कॉमन आ रहा है और 10 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचता है 20। 10 के टेबल पे कहाँ आता है? 2 पे, 2x आ जाएगा यहाँ पे। 30 आता है 3 पे, +3 आ जाएगा। अब +3 क्यों आया? क्योंकि माइनस तो दोनों का हमने कॉमन निकाल लिया, इसलिए इसके पास फिर प्लस ही बच जाएगा। अब ये दोनों सेम आ गए, मतलब हम सही कर रहे हैं। 2x + 3 इनको इकट्ठा लिख दिया, x − 10 को इकट्ठा लिख दिया, = 0। इक्वेशंस आ गई, एक एक को 0 को इक्वल पुट कर देंगे, 2x + 3 = 0। एक्स की वैल्यू आ जाती है, पहले -3 गया, फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो यहाँ नीचे आके डिवाइड आ जाएगा, एक ये आएगा, x − 10 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +10। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था इसलिए मैं सोचा आपको करा देता हूँ। सो इस क्वेश्चन में √2x² + 7x + 5√2 = 0 है। इसमें रूट्स आ गई तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी चीज़ होती हैं रूट्स भी। सो सबसे पहले रूट्स को डील करने से पहले एक चीज़ बतानी है आपको, √2 × √2 = 2 होता है, √7 × √7 = 7 होता है। मतलब सेम रूट्स को जब मल्टीप्लाई करो तो उनका रूट कैंसिल हो जाता है। क्लियर? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो 5√2 और 2√2, 5√2 और √2 ये कॉन्स्टेंट है और ये x² का कॉफिशेंट है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है पहले, एज यूजल जैसे मैंने आपको बताया, 5√2 × √2। अब ये 5√2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमेशा रूट वाली टर्म्स ही आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो √2 × √2 = 2 हो गया, और 5 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 = 10। टोटल आंसर 10 आ गया। अब 10 के फैक्टर्स बनेंगे, इस तरह से बनेंगे कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए, क्योंकि हमारी मिडिल टर्म जो है वो 7x है। सो 5 × 2 मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है एंड ऐड करने पर 7 आ रहा है। सो ये हमारे पास स्प्लिटिंग आ जाएगी। सो यहाँ पे करने के लिए √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब पहली दो टर्म्स के बीच कॉमन निकालेंगे, दोनों के पास x है तो x कॉमन निकाल लो। सो पहली दो टर्म्स के अंदर √2x बचा यहाँ पे, और इसका x बाहर आ गया तो अकेला 5 बच गया। अब इन दोनों के पास 2 कॉमन है, कैसे? प्लस लिखा, दोनों का प्लस है इसलिए प्लस आ गया। √2 कॉमन है, 2 नहीं। √2 कैसे कॉमन है? √2 × √2 मैंने आपको बताया था 2 होता है, तो अगर इस 2 में से एक √2 बाहर आ गया तो एक √2 अंदर बचेगा, और 5√2 में से √2 तो बाहर आ गया तो अंदर रह गया सिर्फ 5। इसके साथ x आना था, x भी लगा हुआ था। आप देख सकते हो √2x + 5 √2x + 5 सेम आ गए, मतलब क्वेश्चन सही कर रहे हैं। √2x + 5 एक ब्रैकेट में, x + √2 एक ब्रैकेट में = 0। अब √2x + 5 को = 0 पुट करेंगे इन कॉमा, x + √2 = 0 पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ से √2x
इक्वल्स टू माइनस फाइव हो जाएगा, ये आर एच एस सेट जाएगा तो साइन चीज हो जाएगा, और रूट टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो फाइव के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, एक एक्स की वैल्यू ये आ गई। और यहाँ पर रूट टू प्लस में था, आर एच एस सेट जाके माइनस में हो गया, तो एक एक्स की वैल्यू ये आ गई, दो एक्स की वैल्यूज आ गई, इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें फ्रैक्शन में एक टर्म दी, पहले तो सबसे पहले फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। सो अपॉन एट है, सो मल्टीप्लाइंग एल एच एस बाय एट एंड आर एच एस को भी एट से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब एट से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को तो एट टू ज़ा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, एट इंटू माइनस एक्स माइनस एट एक्स एंड एट इंटू वन बाय एट, इसका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो इंटू एट ज़ीरो ही रहेगा। तो टोटल फाइनल इक्वेशन आती है सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसकी भी मिड टर्म स्प्लिटिंग सिक्सटीन वन ज़ा सिक्सटीन होती है, तो स्प्लिटिंग करने के बाद इसकी आ जाएगी सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। मैंने इसकी स्प्लिटिंग करके नहीं दिखाई है, वो आप खुद कर लेना, काफ़ी क्वेश्चंस की स्प्लिटिंग बता चुका हूँ अब तक, वो आपको आ गई होगी। तो इन दोनों के कॉमन निकालेंगे हम टर्म्स, कॉमन आएगा फोर और एक्स भी कॉमन आएगा, फोर इसके पास भी और इस ये भी फोर के टेबल में आ रहा है, तो एक फोर भी कॉमन आएगा और दो एक्स भी कॉमन आएंगे। तो यहाँ पे फोर से डिवाइड करेंगे सिक्सटीन को तो फोर आएगा, और एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बच गया अंदर, और इसका तो पूरा ही फोर एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे जब पूरा का पूरा फोर एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पे वन बच जाएगा अंदर सिर्फ, और माइनस वैसे ही। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसलिए वन ही कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर एक्स प्लस वन। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये दोनों सेम नहीं आए हैं, यहाँ पर फोर एक्स इंटू फोर एक्स माइनस वन और यहाँ पे प्लस वन माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, तो दोनों सेम नहीं है, इन्हें सेम करना पड़ेगा पहले, जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में सेम किए थे। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस वन कॉमन लेंगे। सो हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई है, सो इक्वेशन में फोर एक्स माइनस वन और यहाँ माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये सेम नहीं है, इन्हें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वन की जगह माइनस वन बन जाएगा, और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये फोर एक्स हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा। अब सेम सेम हो गए हैं तो अब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब फोर एक्स माइनस वन इकट्ठे कर दिए एंड इन फोर एक्स माइनस वन को भी इकट्ठा कर दिया इक्वल्स टू ज़ीरो, फोर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दिया, इस फोर एक्स माइनस वन को भी इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दिया, सो एक्स की वैल्यू आ जाती है वन बाय फोर एंड यहाँ भी एक्स की वैल्यू वन बाय फोर आ जाएगी, माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो गया एंड फोर मल्टीप्लाई था वो नीचे आके डिवाइड हो गया। सो यही मिड टर्म स्प्लिटिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए रोहित फ्रॉम जेनको जोन साइनिंग आउट।